आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते हैं, जहां पर राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सेक्टर 24 के नवा रायपुर में भूमि पूजन समारोह आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास, मंत्रीगण आवास का भूमि पूजन यहां पर किया जा रहा है। सेक्टर 24 में ये परिसर बन रहा है। अस्तिनाद प्रमोदनी श्रियं देवी मुखवे निर्मा देवी जुखताम् सोस्मिताम् हिरण्यप् काकारा मात्रा ज्वलन्ते त्रप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् स्वामिहोपहवे श्रियम् प्रभाषाम् यशसा ज्वलन्ते श्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम् तां पद्मनिमिं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः सेक्टर 24 में ये पूरा परिसर बन रहा है, जिसका भूमि पूजन किया जा रहा है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, मंत्रोच्चार के साथ है पूजा अर्चना की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार का यहाँ पे उद्घोष आप सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी देखिए। स्पीकर को भी आप देख सकते हैं, चरण दास महंत, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी एक साथ, विधायकों का परिसर, मंत्रियों का परिसर, सीएम आवास का भूमि पूजन। सेक्टर 24 में ये पूरा परिसर बन रहा है। राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। तो आवासीय परिसर का भूमि पूजन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में, ये देखिए पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी मौजूद हैं। तो मंत्रीगण आवास का ये भूमि पूजन सेक्टर 24 में ये पूरा परिसर बन रहा है। ये देखिए मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन की शुरुआत की। शांति शांति शांति।
तो सेक्टर 24 में ये पूरा परिसर बन रहा है अवलोकन करते हुए उस मॉडल का जो ये पूरा बनने के बाद ये परिसर इतिहास का नवा रायपुर अटल नगर में राजभवन मुख्यमंत्री आवास विधानसभा अध्यक्ष आवास मंत्रिगण आवास तमाम जानकारियां देते हुए परिसर का तमाम मीडिया कर्मियों की उपस्थिति आप देख सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हमारे एक एक मुखिया बात को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के मुख्य अतिथि और समस्त मंत्री गण की गौरव उपस्थिति में ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ शिलालेखों का अनावरण हुआ और प्रस्तावित भवन की ड्राइंग का मॉडल का अवलोकन करते हुए हमारे विशेष अतिथि नागरिकों से विनम्र निवेदन है मंच के समक्ष स्थान ग्रहण करें अतिथियों से विनम्र निवेदन है चंद क्षणों में हमारे अतिथिगण मंचासीन होंगे और मंचीय कार्यक्रम आरंभ होगा उसके पूर्व मैं पुनः विनम्र आग्रह करती हूँ अपना स्थान सुनिश्चित करें तो राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ तमाम पूरी कैबिनेट को आप देख सकते हैं तमाम विधायकों की मौजूदगी और जिस तरह से ये परिसर जो प्रारूप लेगा बनने के बाद जिस तरह से वो पूरा तैयार होगा उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और हंसी मजाक में आपने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ये कहते हुए भी सुना कि ये वाला जो मॉडल मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा निवास होगा उस पर वहां पर मौजूद तमाम दिग्गज मुस्कुराने लगे। अधिकारियों की अगुवाई में हमारे आदरणीय
मुख्य अतिथि महोदय और समस्त आदरणीय विशिष्ट अतिथि मंच पर स्थान ग्रहण करते हुए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि समस्त विशिष्ट अतिथिगण मंच पर स्थान ग्रहण करें। समस्त अतिथिगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और विधायकगण, मंत्रीगण जो पहले से कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारी भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भूमि पूजन के इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत देव आराधना से करकर हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी के हार्दिक अभिनंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री ताम्रध्वज साहू जी माननीय मंत्री महोदय, श्री अमिताभ जैन जी अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री अनिल रॉय विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, श्री डी के अग्रवाल जी प्रमुख अभियंता, श्री एस के शर्मा मुख्य अभियंता। हमारे मुख्य मंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में श्री चरणदास महंत जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। हमारे सभी विधायकगण भी मंच में आ जाएं, उधर होंगे तो, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण भी मंच में आ जाएं। मैं पुनः सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे कार्यक्रम स्थल पर पधारे हुए समस्त विधायकगण, आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, मंत्री महोदय अगर अवलोकन करने के लिए मंच पर आने में अगर विलंब हो गया है तो हम पुनः अति आग्रह पूर्वक उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं श्री चरणदास महंत जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के हार्दिक अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। श्री ताम्रध्वज साहू जी माननीय मंत्री महोदय, श्री अमिताभ जैन जी अतिरिक्त मुख्य सचिव जी, श्री अनिल रॉय जी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, श्री डी के अग्रवाल प्रमुख अभियंता। आप सभी से निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत। विभाग के मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज साहू जी के अभिनंदन का अनुरोध है श्री अमिताभ जैन अतिरिक्त मुख्य सचिव जी, श्री अनिल रॉय जी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, श्री डी के अग्रवाल जी, श्री एस के शर्मा जी से हमारे मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज साहू जी का पुष्प गुच्छ से अभिनंदन करें। इसी क्रम में मंचासीन समस्त अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हुए आमंत्रित करते हैं उनके अभिनंदन के लिए श्री अमिताभ जैन, श्री अनिल रॉय जी, श्री डी के अग्रवाल जी और श्री एस के शर्मा जी। मंचासीन हमारे समस्त अतिथियों का स्वागत हो रहा है। समस्त पधारे हुए अतिथियों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी करतल ध्वनियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें, तालियों से उनका स्वागत करें। आप मंचासीन आदरणीय अतिथि हैं श्री टी एस सिंहदेव, श्री रविन्द्र चौबे जी, श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, आप सभी मंत्रीगण, श्री मोहम्मद अकबर जी, श्री कवासी लखमा जी, श्री शिव डहरिया जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, श्री जय सिंह अग्रवाल जी, श्री गुरु रुद्र कुमार जी, श्री उमेश पटेल जी, श्री अमरजीत भगत जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्रीमती छाया वर्मा जी, श्री सुनील सोनी जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री धनेन्द्र साहू जी, श्री बिजमोहन अग्रवाल जी, श्री कुलदीप जुनेजा जी, श्री विकास उपाध्याय जी, श्रीमती शारदा वर्मा जी, श्री प्रमोद दुबे जी, श्री सुनील कुजूर मुख्य सचिव। मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए विभाग के अधिकारीगण श्री अमिताभ जैन जी, श्री अनिल रॉय जी, श्री डी के अग्रवाल जी, श्री एस के शर्मा जी। आत्मीय अभिनंदन की इस वेला में हमारे आज के इस निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। मैं नाम पढ़ रही हूँ, कृपया पधारें। श्री जी एस मंडावी मुख्य अभियंता,
श्री पीएम कश्यप अधीक्षण अभियंता, श्री लाल अधीक्षण अभियंता, श्री पी के अग्रवाल कार्यपालन अभियंता, श्री डीसी सिंह कार्यपालन अभियंता, श्री डी के चंदेल जी अनुविभागीय अधिकारी, श्री आशीष भट्टाचार्य जी अनुविभागीय अधिकारी, आप सभी से निवेदन है जल्दी आइए और मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रदेश के मुखिया मंत्री मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आगे हैं श्री प्रसाद अनुविभागीय अधिकारी, श्री सुरेश भूपल अधीक्षण अभियंता, श्री टी आर वर्मा उप अभियंता, श्री देवेंद्र साहू उप अभियंता, श्री चमन साहू उप अभियंता, श्री अवधेश पांडे उप अभियंता, श्री श्रीवास उप अभियंता, श्री कटारिया उप अभियंता, श्री नागवंशी जी उप अभियंता, श्री गंजीरे उप अभियंता, श्री विनोद कुमार लाल वित्त नियंत्रक, श्री द्विवेदी उप अभियंता, विशाल शर्मा जी उप अभियंता, श्री विनोद सामंता जी मुख्य वास्तुविद स्तूप डिजाइन फोरम, श्री महेश खानापुरकर मुख्य प्रबंधक स्तूप कंसल्टेंट, श्री तानाजी आटोले वाइस प्रेसिडेंट वॉस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड पुणे। आप सभी से निवेदन है हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनका पुष्प गुच्छ से अभिनंदन। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ विभागीय प्रतिवेदन के लिए श्री अमिताभ जैन जी को, अपर सचिव सचिव अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग श्री अमिताभ जैन जी विभागीय प्रतिवेदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानी मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के समस्त आदरणीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि नया रायपुर में सेक्टर 24 में राज्यपाल निवास, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगण के निवास और अधिकारीगण के निवास का लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजना का आज शिलान्यास हो रहा है और इसके तत्काल पश्चात इसका विधिवत कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मुझे इस कार्य का तकनीकी प्रतिवेदन देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं तकनीकी प्रतिवेदन मौखिक रूप से देने की बजाय एक वीडियो के माध्यम से, 3.5 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन देश के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 में हुआ है। राज्य गठन के उपरांत रायपुर राजधानी में राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं चहुमुखी विकास हेतु नवा रायपुर क्षेत्र लगभग 80,000 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ मंत्रालय, सचिवालय एवं विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालयों का संचालन हो रहा है। नवा रायपुर क्षेत्र की बसाहट में तेजी लाने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवा रायपुर के सेक्टर 24 में राजभवन, माननीय मुख्यमंत्री निवास, माननीय मंत्रीगणों के निवास, वरिष्ठ अधिकारियों हेतु आवास निर्माण तथा परिसर के अधोसंरचना विकास कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹591.75 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु नवा रायपुर के सेक्टर 24, सेक्टर 18 में लगभग 222 एकड़ भूमि चयनित की गई है। राजभवन कॉम्प्लेक्स में शामिल है राज्यपाल का निजी आवास, आवासीय कार्यालय, वीआईपी अतिथि स्वीट एवं दरबार हॉल और सचिवालय ब्लॉकों को राज्यपाल आवासीय भवन के उत्तर में अलग ब्लॉक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा ब्लॉक, ड्राइवर सुविधा, छोटा अस्पताल और सहायक स्टाफ निवास भी प्रस्तावित किया गया है। राजभवन परिसर में आंतरिक मार्ग उद्यान और सार्वजनिक समारोहों के लिए मैदान प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री निवास में आवासीय कार्यालय, निजी आवास, स्वास्थ्य केंद्र तथा वीआईपी अतिथि कक्ष शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री के आवास परिसर के अंतर्गत आंतरिक मार्ग उद्यान और सार्वजनिक समारोहों के लिए मैदान प्रस्तावित है। माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास हेतु चयनित स्थल मंत्रालय से 3.5 किलोमीटर की दूरी के भीतर है, जिसके निकट पुलिस मुख्यालय परिसर में हेलीपैड निर्मित है। रायपुर हवाई अड्डा की दूरी उक्त स्थल से लगभग 14 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त सेक्टर 24 एवं सेक्टर 18 में आवंटित भूमि में अधोसंरचना निर्माण अंतर्गत आवश्यक पहुंच मार्गों, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स, लैंडस्केपिंग क्षेत्र इत्यादि का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं मंत्रीगणों हेतु आवासीय कार्यालय सह आवास निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सेक्टर 24 में वरिष्ठ अधिकारियों के निवास हेतु आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं सेक्टर 18 में वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण की योजना है। धन्यवाद। मैं पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स की तरफ से, इस कार्य के कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, आर्किटेक्ट की तरफ से, छत्तीसगढ़ शासन के पूरे मंत्रिपरिषद को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी पूर्ण मन लगा के पूरी गुणवत्ता से शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और ये भी आकांक्षा करता हूं कि आज धनतेरस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, समस्त माननीय मंत्रीगण की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमें इस काम को अच्छी तरह से करने के लिए प्राप्त होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री महोदय लोक निर्माण विभाग श्री ताम्र ध्वज साहू जी को उनके उद्बोधन के लिए। सर उधर है डाइस विशेष अतिथियों के लिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, माननीय विधानसभा अध्यक्ष निवास, माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री